ये पूरा कार्यकर्ता निवाड़ी विधानसभा का पूरा कार्यकर्ता नाराज है और आज एक एक कार्यकर्ता यहाँ रो रहा है। तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी से। तस्वीरों में दिखाई दे रही है कांग्रेस नेता रोशनी यादव, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में इस आस के साथ आई थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, विधानसभा चुनाव में निवाड़ी से टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और अब रोशनी यादव की आंखें भर आई है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 229 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। दूसरी लिस्ट आई कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों के साथ। यहां पर निवाड़ी से अमित राय को टिकट दिया गया। माना जा रहा था कि रोशनी यादव को निवाड़ी से कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। जब लिस्ट सामने आई तब रोशनी यादव के आंसू नहीं थम रहे हैं। आपको बता दें कि रोशनी यादव जो आस लगाए बैठी थी, या यूं कहें कि इस आस के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी बीजेपी छोड़कर, कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है और उन्हें कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन जब वो टिकट नहीं मिला तब रोशनी यादव मीडिया से बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए, वो रुआसी हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जोरदार प्रचार चल रहा था, क्या बात है, और अमित राय को देने से आप कितना नाराज है, क्या बात है, और आपको टिकट क्यों नहीं मिला, जल्दी बताएं। ये पूरा कार्यकर्ता निवाड़ी विधानसभा का पूरा कार्यकर्ता नाराज है और आज एक एक कार्यकर्ता यहाँ रो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद जब रोशनी यादव को पता चला कि उनको निवाड़ी से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, तब उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। रोशनी यादव का कहना है कि अगर उनको निवाड़ी से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो ऐसे में वो कई कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफे देगी। फिलहाल कांग्रेस क्या निवाड़ी से अपने उम्मीदवार को बदलेगी, क्या रोशनी यादव को टिकट मिलेगा, रोशनी यादव कांग्रेस या किसी और के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डबडबाई आंखों वाली रोशनी यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के।